हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि चैप्टर पढ़ रहे थे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, उसमें आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने एनाटॉमी को समझ लिया था, एनाटॉमी समझना जरूरी भी था, क्योंकि अब हम समझने वाले हैं हार्ट की फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब हार्ट काम कैसे करता है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ बातें आती हैं, जैसे कि कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट में कंडक्टिव सिस्टम, कंडक्टिव सिस्टम की बात क्यों उठती है बेटा? क्योंकि हार्ट एक ऐसी चीज है, हार्ट को अगर इंसानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाए वो तब भी धड़कता है, यानी कि उसका कनेक्शन ब्रेन से नहीं है, यानी कि वो अपने लिए खुद से ही इंपल्स जनरेट करता है, खुद से ही अपने आप को संचालित करता है, ठीक है। उसमें कुछ आयनिक चैनल और एक्शन पोटेंशियल, ये जो टर्म है ये तुम लोग कहीं ना कहीं कहां पढ़ चुके हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जो जब मैंने एंटी एरिथमिक ड्रग्स पढ़ाए था तो हार्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था, तो वहां पे आयनिक चैनल और एक्शन पोटेंशियल का टर्म आ रखा था, वही चीज यहाँ पे सेम रहेगा। देन कार्डियक साइकिल, ये इसकी मेन वर्किंग होगी, काम कैसे कर रहा है, क्या पहले हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, ठीक है। उसी कार्डियक साइकिल के दौरान इसमें कुछ साउंड्स पैदा होते हैं जिसे हार्ट साउंड कहते हैं, और एक हम लोगों ने मशीन ईजाद कर ली है, ठीक है ना, जो हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है, ठीक है, और एक डायग्राम सा बनाती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ECG बोल देते हैं। उस डायग्राम को समझ के हम लोग समझ लेते हैं कि हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सारे टर्म से वाकिफ हो तुम लोग, जो बायो वाले बच्चे हैं, खास करके वो लोग जो मैथ वाले बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो वो आज प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। आओ स्टार्ट करें फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट से। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कंडक्टिव सिस्टम। कंडक्टिव सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे घरों में तार होते हैं, एक मेन होता है, वहां से फिर सब जगह पूरी क्या होती है, सप्लाई जाती है। सेम इसी तरीके से हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर भी एक मेन पॉइंट होता है, ठीक है, जहां से सिग्नल क्रिएट होता है, ठीक है। ये है यहाँ का मेन पॉइंट, जो हमारी आर्टरिया है, ध्यान रखना, जैसे आर्टरिया, उम्मीद कर रहा हूं एनाटॉमी अच्छे से क्लियर कर ली होगी। ये क्या पार्ट है, आर्टरिया, कौन सा वाला, राइट वाला, ये भी आर्टरिया, लेफ्ट वाला, नीचे ये वेंट्रिकल, देखो ये ब्लड जा रहा है ऊपर, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड जा रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये डायग्राम थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अब देखो यहां पे वायरिंग समझते हैं, वायरिंग का मतलब क्या है, ये जो है जहां पर सॉरी ऐसा समझ लो, जहां पे इंपल्स क्रिएट हो रही है, मेन जहां पावर हाउस है, ठीक है, इससे हम लोग कहते हैं ऐसे नोड। ये एक मसल्स का ऐसे बंच, ऐसे मान लो कि मांस का बना हुआ एक छोटा सा टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, ये खुद से ही अपने अंदर इंपल्स क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है वो हम समझेंगे इसके बाद, ठीक है ना, टॉपिक आएगा प्रॉपर। यहां से जो इंपल्स क्रिएट होती है, ये इंपल्स यहां से कहां जा रही है, देखो वायर, वायर वायर बन गया, वायर बिजली का तार, यहां से पहुंची इस वाले आर्ट्रियम में प्लस अपने वाले आर्ट्रियम, मतलब इस वाले ने इस आर्ट्रियम में और इस आर्ट्रियम के अंदर सिग्नल भेज दिया कि भाई कॉन्टेक्ट कर जाओ, साथ साथ में इसने ये सिग्नल आगे भेजा, एक और सेंटर था यहां पर, जैसे कि मेन पावर हाउस, पावर हाउस के बाद छोटे छोटे पावर हाउस जैसे हमारे शहरों में होते हैं, तो एक तरह से यहां पे इसने क्या भेजा, सिग्नल भेजा, यानी कि आगे सप्लाई कर दी। इसको हम लोग कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये थोड़ा सा होता आर्ट्रियम में ही है लेकिन वेंट्रिकल के टच में रहता है हल्का सा, तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये सिग्नल मतलब आर्टरिया के पास भी गया, इसके पास भी आया, यहां से फिर ये सिग्नल कहां जाता है, नेक्स्ट जो हमारा अगला स्टेशन होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स, ठीक है, एक तरह से समझ लो कि हमारे जो कॉलोनी के बाहर ट्रांसफार्मर रखा होता है, इसके पास आ गई सप्लाई, ठीक है। फिर इस सप्लाई से ये राइट और ये लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस, वायर है इस तरह से फैले हुए हैं वेंट्रिकल्स के ऊपर, और आखिरी में जाके बहुत ही ज्यादा महीन महीन, यानी हर एक घर को सप्लाई हो रही है एक तरह से, इसको हम कह सकते हैं पुरकुंजी फाइबर, पूरे वेंट्रिकल्स के ऊपर से कवर कर लेते हैं ये, और यहां तक सिग्नल जाते हैं अंत तक, और ये मिल करके इस वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली बात क्या है, हार्ट खुद से ही सिग्नल पैदा कर रहा है, किसकी हेल्प से, ऐसे नोड से, इसी ऐसे नोड को हम लोग नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर, पेसमेकर मतलब गति बनाने वाला,
पेसमेकर मतलब गति प्रदान करने वाला, है ना। तो कई बार ये जब प्रॉपर काम नहीं करता है तो लोगों का आर्टिफिशियल पेसमेकर पड़ता है, सुना होगा पेसमेकर। हो सकता है किसी के दादा वगैरह लोगों के पढ़े भी मतलब लगा भी हुआ हो, या किसी घर में किसी इंसान को रिश्तेदार में लगा हो, या जानने वाले में लगा हो। पेसमेकर यही होता है, जब ये प्रॉपर काम नहीं करता है तो होता है क्या, हार्ट कई बार प्रॉपर काम नहीं करता तो पंपिंग नहीं हो पाती है। उसकी वजह से क्या होता है, इंसान को बेहोशी से छाने लगती है, अक्सर चक्कर खा गिर पड़ेगा। इसमें होता क्या है, काम तो कर रहा है, 1 सेकंड के लिए बंद हुआ फिर चालू हो गया, यानी सिग्नल ब्लॉक हुए फिर चालू हो गए, तो उस केस में दिक्कत आती है, तो एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। ठीक है, तो बस यही इसकी कहानी है। ये चार चीजें, ऐसे नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकंजी फाइबर, ये चारों मिलकर के पूरे हार्ट में सिग्नल को फैला रहे हैं। ठीक है, तो यही सब था समझने के लिए, बस को समझना था। आर्ट्रिया आर्ट्रिया ये वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स हैं, किस तरह से सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्या कह रहा, आ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है, खास तरह के कार्डियक मस्कुलेचर होते हैं, एक खास तरह की मसल्स होती हैं, मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर भी कहते हैं हम लोग इसको, कॉल्ड द नोडल टिश्यूज, नोट्स, है ना, ऐसे छोटे छोटे मांस के टुकड़े से रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, हार्ट में पूरे फैले रहते हैं, एक मेन रहेगा फिर पतले पतले से वायर जैसे फैले रहते हैं, दे प्रोड्यूस्ड एंड कंडक्ट, ये बनाते हैं और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थ्रू आउट द हार्ट, पूरे हार्ट में। क्लियर बात है। नाउ पार्ट ऑफ कंडक्टिव सिस्टम, कौन कौन से पार्ट है, चार होते हैं इसके अंदर, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजी फाइबर। तो बारी बारी से इसको समझ लेते हैं। अब यहां मैंने समझा ही दिया है डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये छोटा डायग्राम क्या है कि ये पूरा हार्ट है ना, ये पुरकंजी फाइबर जैसे ये आर्टिस्ट वगैरह भी है साथ में, तो ये पूरा कट कर देंगे, सामने से ऐसे दिखाई पड़ता है, तो ये वो चीज दिखा रखा है, फ्रंटल प्लेन थ्रू द हार्ट। ऐसे नोड, अ पैच ऑफ टिश्यू, टिश्यू का एक पैच है, समझ लो एक तरह से, जैसे नहीं जैसे कि एक मस्सा तिल टाइप का टिश्यू का एक पैच होता है, इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम, लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम। ठीक है, ओके, कहाँ मौजूद है ये, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम में ये मौजूद है, बिलो द एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वेने केवा। ये देखो यहां पर ये क्या है, सुपीरियर वेने केवा होती है, उसके जस्ट हल्का सा नीचे की तरफ रहता है ये। ठीक है, बिलो द एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वेने केवा, कॉल्ड साइनो आर्ट्रियल नोड, इस पैच ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं। क्लियर है। नाउ ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल पेसमेकर, इसको हम लोग नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा करती हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा कैसे करती हैं देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो ऐसे नोड क्या हो गया, नेचुरल पेसमेकर, जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाएगा और पूरे हार्ट में उसको फैलाएगा, जिससे कि हार्ट क्या कर सके, टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, नाउ एवी नोड, एवी नोड क्या है, अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम क्लोज टू द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम क्या होता है, जो पार्टीशन होता है, ठीक है ना, आर्ट्रियो वेंट्रिकल का, ठीक है ना। तो ये देखो राइट यहां पर मौजूद है, यहां पे जो पार्ट है जो अलग करता है वेंट्रिकल को और आर्ट्रिया को, जस्ट उसी के पास में पाया जाता है, इसलिए इसे एवी, ठीक है, एवी नोड भी कह देते हैं। ओके, सेप्टम कॉल्ड द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवीएन कह दिया जाता है इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, इसको हम लोग सेकेंड नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कह देते हैं। नोट करेंगे, इंटरनोडल फाइबर, दीज फाइबर कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम एस ए नोड टू एवी नोड, इंटरनोडल फाइबर, एक नोड से, ये देखो एक दो और तीन, ये तीन दिखा रहे हैं ये, ठीक है ना, मिडल इंटरनोडल फाइबर, पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर और एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर, तीन होते हैं जो इस नोड से दूसरे नोड तक क्या है, सिग्नल्स को लेके जा रहे हैं। बाद बाकी ये जो दिखा रखा है एरो सफेद सफेद, ये क्या है, आर्ट्रियो में फैला रहे हैं, आर्ट्रियम के अंदर सिग्नल भेज रहे हैं, जैसे कि आर्ट्रिया क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ध्यान रखना इस चीज को, कहां से सिग्नल क्रिएट हो रहे हैं और कैसे कैसे फैल रहे हैं। नाउ बंडल ऑफ हिस, अब यहां से देखो ये क्या है, बंडल ऑफ हिस, इस नोड से लेकर के यहां तक आते आते, यानी कि जो हमारे पास ठीक है, बंडल ऑफ हिस, यहां से सिग्नल कहां जा रहा है, बंडल ऑफ हिस के पास जा रहा है। तो बंडल ऑफ हिस क्या, ऑल्सो कॉल्ड
एवी बंडल्स, इसको हम लोग आट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स भी कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर से निकल रही है ये, ठीक है। इट रिसीव द इंपल्स फ्रॉम एवी नोट एंड ट्रांसमिट टू पुर्किंजी फाइबर, ये एवी नोट से रिसीव करता है और फाइनली यहां से रिसीव करने के बाद फिर ये डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट राइट में और फाइनली पुर्किंजी फाइबर तक इंपल्स को लेके जाता है। क्लियर है? ओके। इट लोकेटेड एट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये कहां मौजूद है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टा याद आ गया, सेप्टम। अब इसीलिए देखो एनाटॉमी जरूरी थी शुरुआत में, सेप्टम सेप्टम वर्ड बाद में आ रहा है, कौन सा सेप्टम है ये? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो कहां मौजूद होते हैं एवी बंडल्स? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे मौजूद होते हैं। क्लियर है? नाउ पुर्किंजी फाइबर, पुर्किंजी फाइबर पतले पतले महीन महीन होते हैं। ब्रांचेस ऑफ एवी बंडल गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स, जो एवी बंडल होती है आगे जाके और महीन 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 रेशेदार फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है, उसी को पुर्किंजी फाइबर कहते हैं, जो कि थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ रेस्पेक्टिव साइड, जो अपने अपने साइड में जो वेंट्रिकुल थे, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर है ना, मस्कुलेचर का मतलब हो गया मसल्स, वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं अपनी अपनी साइड में उन पे जाकर के ये फैल जाती हैं, ठीक है, ऑफ रेस्पेक्टिव साइड यानी अपने अपने साइड में एंड आर कॉल्ड पुर्किंजी फाइबर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पुर्किंजी फाइबर कहते हैं। तो ये पूरा अपना क्या हो गया? कंडक्टिव सिस्टम। कौन ऐसे शख्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंपल्स को कैरी करके लेके जा रही है, ठीक है। नाउ अब क्या कह रहा है? द नोडल मस्कुलेचर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो नोडल मस्कुलेचर था यानी कि हमारे पास जो ऐसे नोड है, कह रहा है वो खुद से ही है, उसके क्षमता है कि एक्शन पोटेंशियल। अभी एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, उम्मीद कर रहा हूं अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का वाला चैप्टर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, वरना अभी बताऊंगा मैं एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता, तो खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेता है बिना किसी एक्सटर्नल, मतलब बाहर से कहने की जरूरत नहीं भाई करो करो, ऐसा नहीं, खुद से करता रहता है। दैट इज, इट इज ऑटो एक्साइटेबल, खुद से ही एक्साइट होता रहता है। हाउएवर, खुद से एक्साइट होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो हम लोग कोई गर्म चीज को छूते हैं तो हाथ हटाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या खुद से ही अपने आप को एक्शन पोटेंशियल देता रहेगा। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। अब पूरा पार्ट है वो, ठीक है, हर जगह अलग अलग इंपल्स क्रिएट हो सकती है, वो एक अलग टॉपिक, बहुत डिटेल चला जाता है, खैर हम उसकी बात अभी यहां पे नहीं करते, ठीक है। तो फिलहाल यहां तक रखेंगे, इस लाइन को चाहो तो काट दोगे। द एसे कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 से 75 पर मिनट, ठीक है ना। जो ऐसे नोड है वो लगभग 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल, तभी तो हमारी हार्ट बीट होती है नॉर्मल 72 के आसपास एवरेज रहती है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, रिदमिक यानी कि एक रिदम से कॉन्ट्रैक्ट होता रहे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे नोड, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेस मेकर, आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70-75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। ये नॉर्मल सी बात थी, समझाने के लिए था, इसको कुछ लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टिव पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट था। अब जो कंडक्टिव पार्ट है वो अपने अंदर ऐसा कर के आ रहा है, मतलब बताते थे कि तार है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे बन रहे हैं, समझे उसे, आ जाओ। चलो अब हम बात करेंगे आयनिक चैनल्स एंड एक्शन पोटेंशियल। मैंने यहां लिखा हुआ है फ्रॉम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, चैप्टर मेंशन करना भूल गया हूं मैं, ठीक है। चैप्टर हमारे पास है एंटी एरिथमिक ड्रग, ठीक है। एक मिनट बताता हूं मैं जरा, मेरे पास आई थिंक, वेट, मेरे पास सिलेबस है तो मैं फटाफट इसका चैप्टर भी मेंशन कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ढूंढना। हाँ, चैप्टर नंबर 7, कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 7 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं उसी लेक्चर को यहां पर अभी ऐड करने जा रहा हूं, ठीक है ना, मैं यहां पर अलग से नहीं बताऊंगा, ठीक है, मेरा भी टाइम बचेगा, आप लोगों का टाइम बचेगा, तो इसे सेम सेम रहेगा। ये दोनों बातें एक्शन पोटेंशियल और आयनिक चैनल मैं यहां पर अब ऐड करने जा रहा हूं, फटाफट इसको देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो ये हुआ कैसे, ये घटनाएं घटी कैसे, ठीक है ना। बात करते हैं कि आखिरकार जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सिग्नल का जाना, ठीक है, और फिर सिग्नल का पूरे में फैलना होता कैसे, क्यों होता है, ये सारी बातें यहां से स्टार्ट होती है। जो हार्ट के सेल्स है, हार्ट के क्या है, सेल्स, और खासकर सेल कहां का होगा, सबसे पहले ऐसे नोड का, कहां का होगा, ऐसे नोड का। सेल की मेम्ब्रेन ऐसी होती है, ये सेल का बाहरी हिस्सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सेल का बाहरी हिस्सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सेल के अंदर का हिस्सा, इसको हम साइटोसोल या साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये मेरे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है,
ठीक है, समझने के लिए, इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन के बने हुए, किसके बने हुए, प्रोटीन के बने हुए कुछ चैनल्स होते हैं, बात समझना, प्रोटीन के बने हुए कुछ चैनल्स होते हैं, ये चैनल क्या करते हैं, पोटेशियम को अंदर पंप करते रहते हैं और सोडियम को बाहर पंप करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, ठीक है, तीन सोडियम बाहर आते हैं तो दो पोटेशियम अंदर जाते हैं, ओवरऑल और भी कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से होता क्या है, और भी आयंस वगैरह का इसमें गठजोड़ रहता है, देखो तीन प्लस ऊपर है दो पोटेशियम नीचे है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर क्या है, ये वाला हिस्सा इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव रहेगा और ये वाला हिस्सा क्या रहेगा इसके कंपैरिजन में नेगेटिव, तो होता क्या है यहां नेगेटिव होता है और यहां पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, और यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जैसे बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्या होता है क्रिएट हो जाता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां पे क्रिएट रहता है वो लगभग लगभग -60 मिलीवोल्ट का क्रिएट रहता है, यानी कि मैं तुमसे कहूं कि अगर तुम यहां पर एक वोल्टमीटर ले आओ, वोल्टमीटर पढ़ा है ना फिजिक्स में क्लास 12 में, जो बिजली को नापता है, उसका एक कनेक्शन ऐसे सेल के यहां लगा दो और एक को अर्थ कर दो, तो तुम पाओगे कि ये सिग्नल दे देगा कितना, -60 मिलीवोल्ट का नॉर्मल कंडीशन में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बात समझना, ये चैनल्स हैं, ये लगातार सोडियम बाहर भेज रहे हैं और पोटेशियम को अंदर डाल रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एक साइड नेगेटिव और एक साइड इसकी क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, तो एक साइड पूरी पॉजिटिव रहती है और एक साइड पूरी नेगेटिव हो जाती है, ऐसी सिचुएशन जब एक तरफ, अब देखो यहां पर गौर से समझना बात को, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, मैं तो मैं क्या कहूंगा, एक तरफ पॉजिटिव पोल है एक तरफ नेगेटिव पोल है, ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कहूंगा, मेरे पास ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये कैसी है, पोलराइज सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, पोलराइज, यानी कि मेरी जो मेम्ब्रेन है वो इस समय क्या हो रखी है, पोलराइज, नॉर्मल है, कोई हरकत नहीं करेगी, बात समझना, ठीक है ना, इस समय यानी कि इसमें पोलराइज हो गई है, कोई हरकत नहीं करेगी, तो यहां से हमें क्या पकड़ना है, आयनिक चैनल्स, हार्ट के सेल मेम्ब्रेन में आयनिक चैनल्स पाए जाते हैं, ये चैनल सोडियम पोटेशियम पंप, और एक चैनल और होता है, तो यहां मिस हो गया, मैं उसे बताता हूं, एक चैनल और पाया जाता है यहां पर, जो इसको बना लेते हैं नॉर्मल स्टाइल से बना लेते हैं, ये क्या करता है, अलाउ करता है किसको, कैल्शियम को, कब अलाउ करेगा देखेंगे अभी, एक चैनल और होता है जो कैल्शियम चैनल होता है, क्या होता है, कैल्शियम चैनल होता है, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, तो इन चैनल्स का बड़ा रोल रहता है, यही चैनल्स जो होते हैं सोडियम पोटेशियम को अंदर बाहर करते हैं और हर्ट लगातार हमारे पास क्या सिग्नल्स को क्रिएट करता रहता है, कैसे करेगा आओ उसको भी देखेंगे अभी, तो यहां तक बात क्लियर होगी, चैनल समझ में आ गए क्या है आयनिक चैनल्स इन सेल मेम्ब्रेन और वो क्या काम कर रहे हैं, अब देखो ये आयनिक चैनल्स थे, अब एक कंडीशन होती है पोलराइज जो मैं बता रहा था, पोलराइज कंडीशन यानी कि पोलराइज कंडीशन, ये मेरे पास क्या है सेल मेम्ब्रेन का बाहरी हिस्सा है और ये मेरे पास क्या है सेल मेम्ब्रेन का अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है, तो बाहर की तरफ ये कैसी हो रखी है पॉजिटिव और अंदर की तरफ कैसी हो रखी है नेगेटिव, और सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम बाहर फेंक रहा है पोटेशियम अंदर फेंक रहा है, ठीक है, इसकी वजह से इस समय ये कंडीशन कैसी है पोलराइज, जिस समय पोलराइज कंडीशन होती है कोई भी सिग्नल क्रिएट नहीं होता है, जैसे ही मेरी ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी क्या होगी डीपोलराइज, क्या होता है डीपोलराइज समझेंगे, पोलराइज सेल मेम्ब्रेन नो सिग्नल, इस समय ये कोई भी सिग्नल हमको नहीं भेजेगा, यानी कि हार्ट को कुछ नहीं बोल रहा है, हार्ट हमारा रिलैक्स है, ठीक है, ये कितनी देर के लिए होता है सेकंड्स ऑफ सेकंड्स के लिए होता है, मैंने कहा था ना समझाया था आरटी और वेंट्रिकल एक टाइम पे आकर रिलैक्स हो गई, जैसे वो रिलैक्स होती है ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मेरी मेम्ब्रेन क्या हो गई है पोलराइज हो गई है, क्लियर है, आगे आता है, अब होता क्या है, अब भाई उसे तो काम करना है ना, ब्लड को पंप करना है, तो ऑटोमेटिक उसमें क्या होता है ये जो सेल मेम्ब्रेन रहेगी वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी डीपोलराइज हो जाएगी, डीपोलराइज का मतलब क्या है, यहां पे छोटा सा मैंने बता रखा है, देखो हुआ क्या है, यहां का हिस्सा देखो दिख रहा होगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां पे ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यहां पे भी ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, इतना हिस्सा जो है दिखा रखा है कि यहां पर क्या हो गया है सोडियम चैनल खुल गए हैं, ठीक है, जो सोडियम के गेटेड चैनल थे वो तो एक चैनल दिखाया था और भी चैनल्स होते हैं, सोडियम बहुत सारा अंदर आ गया है,
ठीक है, बाहर से, जिसकी वजह से हुआ क्या है, बाहर हो गया है नेगेटिव और अंदर क्या हो गया है पॉजिटिव, दिखाई दे रहा होगा, बाहर क्या हो गया है नेगेटिव और अंदर क्या हो गया है पॉजिटिव, ये सिचुएशन बन गई है, कैसी कैसी हो गई, डी पोलराइज हो गया, पोलराइजेशन खत्म हो गया, डी पोलराइज पोलराइजेशन खत्म हो गया। तो बोल रहा है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ये ओपन हो गए हैं और ये क्या कर गए हैं, यहां पर अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ नेगेटिव। अब जैसे ही ये डीपोलराइज होता है उसी समय पर, ठीक उसी समय पर जैसे सोडियम का अंदर कंसंट्रेशन बढ़ता है, एक घटना और घटती है वो आगे फिर बताऊंगा। यहां पर जितने भी कैल्शियम के वो होते हैं, कैल्शियम के चैनल्स होते हैं, वो भी खुल जाते हैं और ढेर सारा कैल्शियम अंदर आना वो भी स्टार्ट हो जाता है, प्रोसेस पढ़ेंगे अभी। तो अंदर इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि अंदर का पोटेंशियल जो कि अभी क्या था -40 था, वो बढ़ करके काफी ऊपर चला जाता है और बस यहीं से क्या जनरेट हो जाता है, एक सिग्नल क्रिएट हो गया है। बात समझना, नेगेटिव पॉजिटिव पे मैं बात कर रहा था, इसलिए मैं कह रहा था इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये सिग्नल क्रिएट हुआ। अब यही सिग्नल पहले आर्टेरियम के पास जाता है, आर्टेरियम को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मजबूर करता है, यही सिग्नल फिर ऐसे नोड से कहां पहुंचता है, एबी नोड के पास, और वहां से फिर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मजबूर करता है। देखते हैं थोड़ा सा बैक चलते हैं। ओके, तो यहां पे देखो जरा क्या है, यहां ये सिग्नल क्रिएट हुआ, यहां से फिर ये आगे बढ़ा, दोनों को कॉन्टेक्ट कराया, यहां से फिर यहां आया, ये सिग्नल पूरे में गया, फिर इसने ये पूरा वेंट्रिकल को कॉन्टेक्ट होने के लिए मजबूर कर दिया। बात समझ में आई, बात समझ में आई क्या खेल चल रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी यहां पर, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी, क्या हो गया है डीपोलराइजेशन ऑफ सेल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब हमारा हार्ट एक्शन करने के लिए तैयार है, एक्शन कब बोला जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्लियर है। ओके, एक्शन पोटेंशियल की बात कर लें, जैसे मैंने बताया था अभी नॉर्मल कंडीशन में, ये पूरा ग्राफ ऐसे चलता चला जाएगा, उसका एक चीज का पार्ट उठा लिया गया है, ठीक है। नॉर्मल सेकंड हर्ट की साइकिल जो एक होती है कब कवर हो जाती है, 0.8 सेकंड की होती है, फिर 0.16, तो हमने बीच से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से अगर मैं ले लूं ये 0.8, ये कितना होगा 0.4, ठीक है ना। यहां पे अभी क्या है, माइनस का 60 मिलीवोल्ट सिग्नल है, ठीक है। सोडियम स्लोली एंटर्स थ्रू लीकी सोडियम चैनल, सोडियम ने अंदर आना स्टार्ट कर दिया, अभी वाला जो डायग्राम दिखाया था मैंने, सोडियम क्या हो गए, अंदर आना स्टार्ट हो गए। सोडियम जैसे अंदर आना स्टार्ट होते हैं तो सेल का पोटेंशियल बढ़ करके कहां पहुंच गया, -40। सोडियम के पीछे पीछे मैंने समझाया था अभी, कैल्शियम चैनल भी खुल जाते हैं और कैल्शियम बहुत सारा इसके अंदर आना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही कैल्शियम चैनल आता है, ये वाला सिग्नल जो होता है, वोल्टेज होता है, एकदम से हाइक मारता है, ठीक है। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन, कैल्शियम 2+ एंटर द सेल, सेल के अंदर एंटर करेगा, एकदम से बढ़ गया ये, बात समझ में आई। तो ये मेरा हो गया क्या, एक्शन पोटेंशियल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आर्टेरियल को और वेंट्रिकल को सिग्नल भेज दिया ऐसे नोड में। अब क्या हो गया, वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल ओपन, के प्लस एवर लीव सेल एंड कैल्शियम 2+ चैनल क्लोज। के प्लस क्या करेगा, सेल को लीव करेगा और कैल्शियम चैनल क्या हो जाए, क्लोज हो जाएगा। कैल्शियम चैनल क्लोज हो गए तो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल क्लोज हो जाएंगे यहां पर और ये नया सिग्नल वापस से कहां जाएगा, जीरो पे आ जाता है, ठीक है, वापस से। फिर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली, इसके अंदर और बहुत सारे चैनल होते हैं, जो डिस्टरबेंस यहां क्रिएट हुई है ना वो तुरंत वापस से नॉर्मल होती है, ठीक है, वो तुरंत वापस से नॉर्मल हो जाएगी। और ये यहां पे कर देता हूं 0.1.2, यानी कि 8 सेकंड हो गया, वापस से नॉर्मल होगी, फिर ये प्रोसेस चलेगी, फिर सोडियम अंदर आएगा, फिर सोडियम बाहर भी चला जाता है, फिर अंदर आता है, प्रोसेस चलती रहती है। तो ये तुम लोगों ने ग्राफ देखा होगा, इस तरीके से देखते ना, हार्ट का चलता रहता है, पीक आता हार्ट का जो केवल टीवी वगैरह में देखते हो तुम लोग, इस तरीके से तो ये पीक देख रहे हो ये, और ये तो इसमें ये सब क्या है, एक होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है कि वेंट्रिकल मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ और भी होता है, ग्राफ में एक्शन पोटेंशियल जो सिग्नल होते हैं वो लगा करके हार्ट से उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये मेरा क्या था, एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल होगा, यानी कि एक्शन पोटेंशियल से सीधा तुमको लोग क्या समझना है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब हार्ट मेरा पिचकेगा ताकि ब्लड मेरा बाहर जाए,
आर्टरिया भी पिचकती है और वेंट्रिकल भी पिचकते हैं। तो देखो ये सारी कहानी थी। अब अगर ये सारी कहानी तुमको पिचकने की कॉन्टेक्ट होने की समझ में आ गई है तो अब जो मैं इसमें टर्म्स इस्तेमाल करूंगा वो तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे। देखा तो देखा जिन बच्चों ने पढ़ लिया और उन्हें समझ में आ गया ये तो वही चीज थी जो हमने वहां पढ़ी थी, ठीक है ना। तो अब बात उम्मीद कर रहा हूं एक्शन पोटेंशियल का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आगे आते हैं, देखते हैं अब क्या कह रहा है। कार्डियक साइकिल को समझते हैं। अब कार्डियक साइकिल के अंदर हमारे पास बार बार एक्शन पोटेंशियल की बात होगी, वो सारी बातें अब मेरे ख्याल से क्लियर होती चलेंगी, हम फटाफट करते चलेंगे। अब बच्चों एक चीज बता दूं मैं, कार्डियक साइकिल एक ऐसा टॉपिक है, कुछ टीचर लोग इसको 7 फेज में समझाते हैं कि 7 फेज होते हैं इसके, कुछ टीचर थोड़ा सा अलग बताते हैं, कुछ सिस्टोलिक डायस्टोलिक तरीके से बताते हैं, बताने के अपने अपने तरीके हैं। बिल्कुल एकदम एमबीबीएस वाली कैटेगरी पे चले जाओगे तो वो बिल्कुल 7 फेज वाली कहानी जो है, 7 ही फेज है वो कहानी, बिल्कुल एकदम मतलब एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है वो, एकदम जिसे कहते हैं ना कि तुमने सुना है पढ़ा, थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, बहुत सारी बातें बताने पड़ती हैं उसके अंदर। हम इसको थोड़ा सिंपल करके समझेंगे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के टर्म में, दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के टर्म में। तो देखो कार्डियक साइकिल होती क्या है, साइकिल क्योंकि लगातार हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लगातार लगातार लगातार, तो ये साइकिल कैसे बनती जा रही है अब देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ डज हार्ट फंक्शन, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये मेन फिजियोलॉजी का पार्ट एक तरह से देखा जाए वो पार्ट उसी के अंदर ही आता है कंडक्टिव वाला, लेकिन फिजियोलॉजी मतलब होता है कोई चीज काम कैसे कर रही है। लेट अस टेक अ लुक, आओ एक देखें। टू बिगिन विद ऑल, हमें शुरुआत करने के लिए, ऑल द 4 chambers ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। अब बात को समझ लें, हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं कि जो चारों के चारों चैंबर हैं, ठीक है, जो चारों के चारों चैंबर हैं हार्ट के वो कैसे हैं, रिलैक्स हैं, खुले हुए हैं। और जब हार्ट के चैंबर रिलैक्स होते हैं तो रिलैक्स के लिए हम लोग बोलते हैं उसे डायस्टोल, क्या बोलते हैं, डायस्टोल। और इस टाइम पर भी एक प्रेशर लग रहा होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बड़ी तेजी से ब्लड को बाहर निकालेगा और हमारे वीन्स जो हमारी नसें हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट करना क्या कहलाता है, सिस्टोल। और इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है बीपी वाला उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आ रही है, तो सिंपल सी चीजें हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि हमारा हार्ट खुला हुआ है यहां पर, ठीक है, और यहां पर मैं एक चीज और कर देता हूं। यहां पर क्या था हमारे पास, अगर याद होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, क्लियर आया, ठीक है, अब याद आ गया। कल की जो बातें बता रहा था कि मैं कैसे कैसे समझाऊंगा क्योंकि बार बार पूरा बना पाना पॉसिबल नहीं होता है। और यहां से मैं निकाल दूंगा, यहां से मैं निकाल दूंगा, कौन से, दिस इज वट एरोटा, ये पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है ना। तो यहां पर एक वाल्व रहेगी हमारे पास और यहां पर एक वाल्व रहेगी जिसे हम सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व। इन्हीं की सारी कहानी चलने वाली है, आओ देखें। अभी क्या है, जॉइंट डायस्टोल में है, रिलैक्स, क्लियर है, ध्यान से आराम से बता रहा हूं, ये समझने वाला टॉपिक है। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, अब ये जॉइंट खुला हुआ है तो देखो हो क्या रहा है कि ऊपर से यहां से जो ब्लड है, यहां से क्या है अपना ब्लड आ रहा है, मैं लाल करूं इसे जरा, यहां से ब्लड आ रहा है, अब ये खुले हुए हैं तो ब्लड अपने आप से ही बहता हुआ यहां से यहां चला आ रहा है, यहां से यहां चला आ रहा है, खुला हुआ है ना, तो जो ब्लड आ रहा है ये फिल भी हो रहा है और नीचे वाला भी फिल होता चला जा रहा है, ऊपर वाला भी फिल हो रहा है, नीचे वाला भी फिल हो रहा है, बात समझ में आ रही है। और ऐसे होते 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 होता क्या, लगभग ये 70% तक फिल हो जाता है। फिर ये ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी तेजी से जिससे कि बाकी ब्लड भी इसके अंदर आ जाए, ये 100% फिल हो जाए, ठीक है, वही चीज यहां लिखी हुई है, आओ समझे जरा। तो क्या कह रहा है, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन, जैसे कि कह रहे हैं कि वो दोनों ओपन है, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वीन्स, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वीन्स एंड वेने केवा फ्लोज इन टू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ब्लड जो आया है पल्मोनरी वीन से, दिस इज पल्मोनरी वीन, है ना, ये लंग से आ रहा है, फ्रॉम लंग्स, और ये कहां से आ रहा है,
फ्रॉम बॉडी, इंफीरियर सुपीरियर दोनों होते हैं यहाँ पे, तो इसको हमने सिंपली क्या बोल दिया है, वेने कैवा बोल दिया है। बेटा ये कल का एनाटॉमी वाला चैप्टर का पढ़ लिया है, कल का मतलब इससे पहले वाले चैप्टर का लेक्चर का, तो काफी अच्छा समझ में आएगा। तो ये फ्रॉम पल्मोनरी, और पल्मोनरी से इसमें आ रहा है वेंट्रिकल में, इसका इसमें आ रहा है, बस वही सारी बातें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। फ्लोज इन टू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली, अपने अपने वेंट्रिकल में जा रहे हैं। थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टेरिया, किसके थ्रू होते हुए, मतलब ब्लड यहां से आ रहा है और यहां चला जा रहा है, यहां से आ रहा है यहां चला जा रहा है, कहां, आर्टेरिया से होता हुआ। द सेमिनल वाल्व्स आर क्लोज, द सेमिनल वाल्व्स आर क्लोज एट दिस स्टेज, ठीक है ना, ठीक है। जो सेमिलुनर वाल्व है, ओके, ठीक है, जो सेमिलुनर वाल्व होते हैं, यानी कि जो ये वाले वाल्व है, ये इस स्टेज पे क्या हो रखे हैं, बंद हो रखे हैं, यानी कि खून आगे नहीं जाएगा, खून आगे नहीं जाएगा। कहानी समझ में आई, यहां तक कहानी समझ में आई, शुरुआत हो रही है, हार्ट हमारा रिलैक्स हो रखा है, ठीक है, खून यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ठीक है, ये कहां से आ रहा है, लंग से, ये कहां से आ रहा है, बॉडी से, ठीक है। ये चीज इसको अभी एक मैं बताऊंगा, एक काम और करना, इसी कार्डियक साइकिल को ना अभी थोड़ा सा, क्योंकि जो अभी हम पढ़ लेंगे ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्या पढ़ लेंगे, अगली हेड इसमें नहीं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाला पार्ट है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन हम पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद कार्डियक साइकिल को रिपीट देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, और भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा तुम लोगों को फिर। तो फिलहाल हम समझते हैं, तो कह रहा है यहां से खून आया, यहां से खून आया, सारा हार्ट रिलैक्स है मेरा, आर्टेरिया से होता हुआ वेंट्रिकल में आ गया, लेकिन आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो वाल्व हैं, सेमी लूनर वाल्व, कौन से वाल्व, ये जो सेमी लूनर वाल्व हैं, ये तभी ओपन होते हैं जब वेंट्रिकल प्रेशर मारता है ना ब्लड में, ये तभी ओपन होंगे, अदरवाइज ओपन नहीं होते ये, ठीक है। तो द सेमी लूनर वाल्व आर क्लोज एट दिस टाइम, यहां तक आने क्लियर हो गई, ये खुले हुए हैं, ये बंद है, खून आया वेंट्रिकल में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है बेटा, बहुत आराम से बता रहा हूं, कार्डियक साइकिल, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। द एसए नोड नाउ जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कहानी जस्ट पहले जो बताया ही मैंने, क्लियर है। एसए नोड क्या कर रहा है, नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, अब वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, विच स्टिमुलेट द बोथ आर्टेरिया, जो दोनों आर्टेरिया को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, जो आर्टेरिया थी ना ऊपर वाली, इनको स्टिमुलेट करेगा, अंडर गो ए साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, और ये दोनों आर्टेरिया एक साथ पिचकेंगी, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा इनका, अंडर गो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, देखें दिख कितना रहा है ये, क्लियर, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूं, थोड़ा यहां पे लाके समझाऊं मैं इसको, ठीक है। तो दोनों की दोनों एक साथ क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है ना, बड़ा ही कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा, ज़रा दिक्कत आए तुम लोगों को भी, ठीक है, ठीक है, ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, द आर्ट्रियल सिस्टोल, इसको हम लोग कहते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल, मार्क कर लेंगे, जब दोनों आर्ट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल आया, उसके बाद आर्ट्रियल सिस्टोल आया, हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं, जॉइंट डायस्टोल से, और फिर क्या आ गया, आर्ट्रियल सिस्टोल। तो यहां ले ले साइड में थोड़ा सा, पहला स्टेप क्या था, जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट किया, देन आर्ट्रियल, आर्ट्रियोल सिस्टोल आ गया। तो सिस्टोल और डायस्टोल दोनों मैंने बता दिया, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, आगे आते हैं। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%, ठीक है ना, 70% पहले भर चुका था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो लगभग और 30% इसके अंदर आता है, और ये वेंट्रिकल हमारी पूरी भर जाती है प्रेशर से ऐसे करके, ठीक है। अब बात समझो, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल, पहले आर्टेरिया में था, फिर एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंचा, धीरे से वेंट्रिकल के साइड के पास, बाय द एवी नोड एंड एवी बंडल, इनकी हेल्प से वेंट्रिकल के पास हमारा एक्शन पोटेंशियल पहुंच रहा है। अब बेटा ये साइकिल समझने के लिए सारा कंडक्टिव सिस्टम, एक्शन पोटेंशियल, है ना, ये सारी चीज दिमाग में आती रहेंगी तो बड़ा अच्छा अच्छा क्लियर आएगा ये, इसलिए ऊपर के दो जो टॉपिक थे उन्हें अच्छे से समझ लेना, ठीक है, और दिक्कत आती है तो सामने से बार बार चेक करते रहना, रिपीट करते रहना उसको, ठीक है, नोट्स बना लो अपने साथ साथ में। तो कह रहा है कि एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड बाय द एवियन, ठीक है, वेंट्रिकुलर साइड, यानी वेंट्रिकल के पास पहुंचता है एवियन और एवी बंडल के थ्रू,
फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकल, और वहां से फिर जो बंडल ऑफ हिस है वो पूरे वेंट्रिकल में उसको ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, अब वेंट्रिकुलर मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोनों, और इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द आर्टरी अंडरगो रिलैक्सेशन, ठीक है, यानी कि सेम टाइम पर, अब देखो सिग्नल यहां पहुंच चुका है, यानी कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, यानी कि आर्ट्रियल सिस्टोल, इसके बाद क्या आएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ये सिस्टोल हो रहा है उसी टाइम पे आर्ट्रिया रिलैक्स करना स्टार्ट कर देती है सेम टाइम पर। अब जब आर्ट्रिया रिलैक्स करेंगी बेटा और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अगर ये जो वो है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व है ये बंद नहीं होंगे तो ब्लड पीछे जा सकता है, ये समझना। ये दोनों अगर बंद नहीं होंगे तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये रिलैक्स करने जाता है वैसे ये दोनों वाल्व क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर ढक्कन बंद, और जब ये बंद होते तो एक आवाज आती है, और वो आवाज क्या होती है, लब। जैसे ही बंद होंगे एक साउंड क्रिएट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लब। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं धक धक, वैसे ही इंग्लिश में क्या होता है, लब डब। तो पहला साउंड ये आता है लब, यानी पहला धक ये हुआ, हम लोग धक से हो गई, ठीक है। तो पहला साउंड लब, ये वाले वाल्व जैसे बंद होते हैं तो पहला साउंड आता है, हार्ट का जो साउंड धक धक करके आवाज आता है, तो पहला साउंड ये हो गया, ठीक है ना। जैसे ये कॉन्टैक्ट करेंगी ये रिलैक्स कर रही है, अब ये रिलैक्स कर रही है तो पीछे प्रेशर कम हो चुका है, यहां पिचकेंगी प्रेशर बढ़ रहा है, तो अगर ये बंद नहीं होंगी तो खून पीछे जा सकता है, तो इसको बंद होना पड़ेगा, क्लियर है। आगे का स्टेप भी बता दूं, उसमें आगे लिखा हुआ है, इसी प्रेशर से जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इसी प्रेशर से ये वाले वाल्व खुल जाते हैं, और ये वाल्व खुल जाते हैं और ये ब्लड हमारा आगे चला जाता है, ठीक है। एक और स्टेप बता दूं आगे, अब अगला स्टेप क्या होगा, सिस्टोल के बाद क्या होगा, वापस से जॉइंट डायस्टोल आता है, यानी कि ये वापस से रिलैक्स करेंगी। जब ये वापस से रिलैक्स कर रही होती है तो बहुत ज्यादा संभावना होता है कि जो ब्लड प्रेशर से आगे गया वो पीछे बैक आ सकता है, ठीक है। तो बैक ना आ जाए ये सेमिनोडल वाल्व क्या करेंगी, बंद होएंगी। जब ये वाली वाल्व बंद होती हैं, ये वाली अरोटा और पल्मोनरी वाली, तब साउंड आता है डब, यानी कि धक और धक, ये दो साउंड, एक बार ये दोनों बंद होते हैं एक साथ, एक बार ये दोनों बंद होते हैं एक साथ, तो धक धक, क्लियर हुआ। अब यही पूरी कहानी यहां लिखी हुई है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ओके। कहां तक पहुंच गया था, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया था, द आर्ट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, उसी टाइम पे आर्ट्रिया रिलैक्स कर रही है, डायस्टोल कर रही है, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये कोइंसाइड कर रही है, जब सिस्टोल हो रहा है वेंट्रिकल पिचक रहा है उसी टाइम पे आर्ट्रिया रिलैक्स कर रही है। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर, जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल पिचक रही है तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, इसकी वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं और साउंड आता है, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द आर्ट्रिया। क्यों बंद हो रही है, क्योंकि ब्लड वापस से जाने की कोशिश कर रहा है बैक। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस, एज द जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करता है फर्दर द सेमिनुलर वाल्व गार्डिंग द, वही तो पिचक रहा ना स्टार्टिंग में, जैसे पिचकना स्टार्ट किया बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद हो गए, वो और पिचक रहा है तो और प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब जो वाल्व थे जो पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड द अरोटा लेफ्ट साइड, इनको जो वाल्व लगे हुए थे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, फोर्स्ड ओपन, यानी ताकत से ओपन किए जाते हैं, अपने आप ओपन नहीं होते हैं, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स, ये अलाउ करते हैं, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स। अब क्या होगा, वेंट्रिकल का ब्लड इन वेसल्स से होता हुआ सर्कुलेटरी पाथवे में चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझा दो, कई बार टीचर बोलता है भाई कि ये वाले वाल्व, इन वाल्व का बंद होना जरूरी क्यों है, अगर ये वाल्व बंद नहीं होंगे तो खून यहां से यहां अपने आप जाने लगेगा, फिर ये हार्ट उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा जितने प्रेशर, क्योंकि भाई आसपास तो चला जाएगा लेकिन इसको जिस प्रेशर से कांटेक्ट होना है, जिससे कि हमारे अंगूठे से लेकर सर टो टू हेड पूरे में ब्लड की सप्लाई हो जाए, उसके लिए पूरे ताकत से पिचकना पड़ेगा, तो इसको बंद होना पड़ेगा, जब ये बंद होगा तभी यहां प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी है मजेदार। अब क्या बोल रहा है, द वेंट्रिकल्स Now relax ventricular diastole and ventricular pressure falls. अब क्या हो रहा है, ventricle relax कर रही है तो ventricle के अंदर pressure गिर रहा है, falls हो रहा है, causing the
जिसकी वजह से क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व, जो मैंने बताया था, जैसे ही आप वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगी तो यहां प्रेशर गिरेगा, तो ये वॉल्व फिर बंद हो जाती है, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द वेंट्रिकल्स. ठीक है, इससे वेंट्रिकल में वापस ब्लड नहीं जाएगा. एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन, जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन कम होता है फर्दर और ज्यादा, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द आर्टरिया. अब क्या हुआ, वेंट्रिकल में धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रेशर कम होता चला जा रहा है, तो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है उसके प्रेशर से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाती है. ठीक है, जो आर्टरिया में जो प्रेशर है बाय द ब्लड विच वॉज बींग एम्प्टीड इन टू देम बाय द वीन्स. ठीक है ना, यानी कि जो आर्टरी के अंदर ब्लड आया कहां से है, वीन्स के द्वारा आया हुआ है. ठीक है, वीन्स के द्वारा आने की वजह से उसके अंदर ब्लड थोड़ा बहुत जो आ चुका है उसके प्रेशर की वजह से अब जैसे ये रिलैक्स करते हैं वेंट्रिकल्स, ये देखो ये घटना साथ साथ हो रही है यहां पर. ठीक है ना, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, यहां प्रेशर गिर रहा है, ये बंद हो गया. अच्छा, जिस समय ये आर्टरिया इससे पहले रिलैक्स होना शुरू हो चुकी थी तो यहां ब्लड आना स्टार्ट हो चुका था, ये ब्लड की वजह से कुछ प्रेशर क्रिएट हो चुका था. जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होती हैं, ये इसके प्रेशर की वजह से ये दोनों वाल्व खुल जाते हैं, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, साथ साथ चल रही साइकिल ये. ठीक है, विच वॉज बींग एम्प्टी, जो कि खाली की गई है, मीन्स कि आर्टरिया के अंदर कौन सा ब्लड है ये जो वीन्स के द्वारा आर्टरिया में लाया गया है. ठीक है, emptied by the veins. The blood now once again move freely to the ventricle. अब एक बार फिर से वही कहानी शुरू हो गई है कि खून अपने आप से ventricle में flow करता हुआ जा रहा है, तब तक flow करता रहेगा लगभग 70% तक. ठीक है ना, the ventricle and artery are now again in relaxed joint diastole state. अब ये वापस से दोनों relax हो गए हैं. वो शुरुआत की कहानी जो हम लोगों ने यहां पढ़ी थी, joint diastole. ठीक है ना, ये एक बार फिर से क्या हो गए, joint diastole condition में आ गए state एज अर्ली जैसे पहले थे. ठीक है ना, सून द ऐसे नोट जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड इवेंट डिस्क्राइब अबव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यू. और फिर उसी तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, सारी कहानी अपने क्रम से चालू हो जाएगी. तो ध्यान रखेंगे हम इसको चार फेज में ना बोल करके, जॉइंट डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वापस से जॉइंट डायस्टोल. तो ये तीन कहानी है, इसके बाद ये वापस से चौथी, फिर से जॉइंट डायस्टोल, फिर ये आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल. ठीक है ना, इस तरीके से ये कहानी अपनी चलती रहेगी. क्लियर है बातें? तो इसको थोड़ा सिंपल करके कोशिश की है मैंने समझाने की, इसको और सिंपल कर सकते हो तुम लोग चाहो तो, जैसे कि इसको लाइन बाय लाइन करके, एक लाइन यहां लिख के एरो बना करके, एक लाइन यहां लिख के एरो बना, इस तरह से एरो वाइज तुम लोग इसके अंदर से ना पॉइंट निकाल करके टेबुलर चार्ट बना सकते हो. ठीक है, देखो कोशिश करूंगा, फाइनल एग्जाम से पहले कुछ खास खास चीजें हैं जो टफ लगेंगी बच्चों को टॉपिक, उनके मैं फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छे नंबर मिल सके. ओके, अब आगे आते हैं, क्या बोल रहा है, दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. ये जो सिक्वेंशियल इवेंट, ये सिक्वेंस एक के बाद एक इवेंट होती जा रही है, देखो बेटा इसको तो रट लेना, कार्डियक साइकिल को इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक होती जा रही है, ये क्या है, यही कार्डियक साइकिल कहलाता है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द आर्टरी एंड वेंट्रिकल. इसके अंदर आर्टरी और वेंट्रिकल के दोनों के सिस्टोल और डायस्टोल मौजूद होते हैं. एज मेंशन्ड अर्लियर द हार्ट बीट 72 times, जैसे पहले बताया कि हार्ट लगभग 72 times धड़क बीट करता है. दैट इज दे मे दैट मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म पर मिनट. यानी कि 72 बार धड़कने का मतलब क्या है, धक धक एक, धक धक दो, धक धक तीन. तो एक मिनट के अंदर बहुत सारी कार्डियक साइकिल, यानी कि लगभग हम मान सकते हैं लगभग 72 times साइकिल कवर कर चुका है एक मिनट के अंदर हार्ट अपने. ठीक है ना, फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज 0.8 seconds. डिवाइड कर देंगे तो हमको टाइम, ये वन मार्क्स क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है. हार्ट की जो कार्डियक साइकिल होती है अपनी वो 0.8 seconds की होती है. ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड. एक साइकिल में जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो 70 ml ऑफ ब्लड पंप आउट कर देते हैं. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं. इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम. द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, यानी कि एक मिनट में कितनी 72 है कितना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, गिव द कार्डियक आउटपुट. ये हमको क्या दे देगा, कार्डियक आउटपुट, कि हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड निकाल रहा है. देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट. तो कार्डियक आउटपुट क्या है, कि जो हमारा हार्ट है एक मिनट में जो वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट एक डेफिनेशन ये होगी तुम्हारे पास.
ठीक है, एवरेजेस 5000 ml और 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, तो एक मिनट में लगभग कितना हो गया, लगभग 5000 ml या 5 लीटर एक मिनट में, एक लगभग एक तरह से मान के चलो हमारा पूरा का पूरा ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है हमारी बॉडी का। द बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, हमारी बॉडी के पास क्षमता है कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम को बदल सकती है, एज वेल एज द हार्ट रेट, हार्ट रेट को भी कम ज्यादा कर सकती है। देयर बाय द कार्डिक आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल द कार्डिक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। ऑब्वियसली बात है, जो एथलीट होता है, जो रनिंग वगैरह करते रहते हैं, उनका कार्डिक आउटपुट थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर है बातें? तो ये कार्डिक साइकिल समझ में आ गई, ठीक है ना, पूरा ये कंप्लीट था, लिख के आ जाओगे, 5 नंबर के हिसाब से पर्याप्त है। हार्ट साउंड क्या होती है, हार्ट साउंड के लिए भी तुमको अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ब्लड यहाँ आता है, ये बंद होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लब डब वही बातें हैं। ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड, हर एक कार्डिक साइकिल के समय 2 साउंड्स आती हैं प्रोड्यूस विच कैन बी इजिली हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप। 2 साउंड आती हैं हर एक साइकिल के टाइम पे जिसको कि हम लोग स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन सकते हैं। द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। पहला साउंड कब आता है, जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद होता है। वेयर इज द सेकेंड हार्ट साउंड, दूसरा हार्ट साउंड डब कब आता है, एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वाल्व, जब सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होते हैं। दीज साउंड आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि इन साउंड को जांच करके हम लोग बीमारी का पता लगा सकते हैं। क्लियर है बातें बेटा, ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई है ना बच्चे, एकदम आग, कुछ लोग आग गड़ाए बैठे होंगे, फटाफट जाओ वीडियो पॉज कर लो, मुंह पे पानी डालो, ठीक है। और एक टॉपिक और है आई थिंक, बेसिक्स ऑफ ईसीजी, उसके बाद अपना ये हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है, फटाफट कर लो बेटा मुंह पे पानी वानी डाल लो, ठीक है, हो जाता है ना, टॉपिक जब थोड़ा सा कंसंट्रेट लगाते हैं तो क्या होता है। हाँ, हो गया, पी लिया पानी वानी, चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ईसीजी। अब ईसीजी देखो, वहां पे थोड़ा सा मैंने क्या लिखा हुआ है, यू आर प्रोबेबली थोड़ा सा गला मेरा लगता गड़बड़ कर रहा है, यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। कह रहा है तुमने एक सीन देखा होगा आमतौर पर टेलीविजन पर, अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू अ मॉनिटरिंग मशीन, एक पेशेंट को मॉनिटरिंग मशीन से लगा रखा है, दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेस, जिसके अंदर वोल्टेज दिखाई पड़ रहे हैं हमें ऑन अ स्क्रीन, एंड मेक द साउंड ऑफ पीप 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 पी, और हम कहते हैं पेशेंट भैया चला गया, ठीक है, ये सर देखा होगा। एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डिक अरेस्ट, है ना, कार्डिक अरेस्ट हो जाता है तो जब उसका हार्ट फेल हो जाता है, दिस टाइप ऑफ मशीन, अब ध्यान रखना बेटा, ऊपर का तो मैं मस्ती कर रहा था, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको काट दोगे, लेकिन यहां पर ऐसी मशीन को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ध्यान रखना, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं है, ठीक है ना। ऐसी मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इसे जो डायग्राम निकलता है उसको हम लोग ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंट, है क्या, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ जैसा बन के आता है, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मत पूछना क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल बताया मैंने अभी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, कम ज्यादा, कहां से कहां इंपल्स जा रही है, उसका पूरा एक ग्राफ होता है ये। टू ऑप्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, अगर हमको एक स्टैंडर्ड ईसीजी ऑप्टेन करना है, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। रुक जाओ, हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, मुझे ही पता बहुत सारी होती हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 to each wrist एंड टू द लेफ्ट एंकल। अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो इतनी बात करेंगे, डेट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी फॉर अ डिटेल्ड एवोल्यूशन। हमको अगर डिटेलिंग चाहिए ऑफ द हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड। अब लगाई जाती है मल्टीपल लीड्स, ठीक है ना, स्टैंडर्ड के लिए केवल 3 से काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ, एकदम से बहुत अच्छे बोल पड़ेगा, अरे बहुत सारी लीड्स लगती हैं, हमें तो पता है, हमने देखा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जब लगती हैं तो 3 लगाई जाती हैं, अदरवाइज कई सारी लगती हैं, आई नो, वो 7-8 तरह की लीड्स लगती हैं, जब वो डिटेल फंक्शन चाहिए होता है, तो डिटेल ही देखा जाता है, डॉक्टर डिटेल देखता है, ठीक है। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड, हम लोग यहाँ पर केवल किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की बात करेंगे, ठीक है ना। ईच पीक इन द ईसीजी इज, क्योंकि बेसिक्स है ना, हमारे पास हेडिंग क्या है, बेसिक्स ऑफ ईसीजी है,
तो हम बेसिक की ही बात करेंगे। क्या कह रहा है, ईच पिक इन ईसीजी इज आइडेंटिफाइड बाय लेटर पी टू टी। अब पी टू टी का क्या मतलब है, ग्राफ, ग्राफ आ जाओ भाई ग्राफ, ये देखो है ना, पी से लेके टी है ना, क्लास 12th में सॉरी 11th में पढ़ा होगा, मैथ वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, वो देख लें, इस टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, तो पी से टी इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, चलो ओके। जो ईच पीक इन द ईसीजी, ईसीजी के अंदर जो पीक्स आते हैं वो पी से टी के अंदर रहते हैं, दैट कॉरेस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो हर एक खास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब पता है, मैं बता चुका हूं एक्शन पोटेंशियल में, ठीक है, द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया। अब मत कहना डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन नहीं पता, ठीक है, आयनिक चैनल और एक्शन पोटेंशियल समझा दिया मैंने, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया, पहला पॉइंट, ठीक है। अब इसको चाहो तो यहां से तुम लोग ब्रेक कर लेना। नेक्स्ट, द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्यू आर एस में क्या है, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन है, विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, जो कि वेंट्रिकल से कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, तो कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल, ठीक है ना, क्यू के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है, द कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, और उसके तुरंत बाद ही सिस्टोल की शुरुआत हो जाती है। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। टी वेव क्या दिखा रही है, वो वापस से नॉर्मल हो रहा है, यानी कि रिपोलराइजेशन। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, टी वेव का अंत का मतलब सिस्टोल का अंत होना है। तो अब चाहो तो इसको ऐसे लिख दो और कुछ और थोड़ा पढ़ लेते हैं, अदरवाइज तुम लोग देखो मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ, वो कहानी खत्म होगी ईसीजी बीसी की, उतनी हम लोग क्यू आर एस को काउंट कर लें अगर, डेट ऑकर इन अ गिवन टाइम पीरियड, की एक टाइम में कितने क्यू आर एस आ रहे हैं, ठीक है, वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट, वो हार्ट बीट है ना एक तरह से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन है, तो हार्ट बीट को रिप्रेजेंट कर देगा। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन, भाई देखो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसी टाइम पर पीछे वाले बंद होते हैं और आगे वाले वाल्व खुल जाते हैं, और फिर रिलैक्स करेगा तो वो बंद हो जाएंगे, तो यहां से हमें एक साइकिल का पता चल जाता है। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप, अलग अलग इंसानों से वो ईसीजी निकालें लगभग एक जैसा शेप रहता है, फॉर अ गिवन लीड कॉन्फिगरेशन, जो मेन इसकी चीजें हैं, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और डिसीज, अगर इससे कोई शेप में अलग है तो मान के चलते कोई बीमारी है, हेंस इट इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसकी वजह से इसका क्लिनिकल महत्व बहुत ज्यादा है ना, हम लोग इसको देख करके बीमारी को पता लगाते हैं। तो देखो बेटा सिंपल है, चाहो तो इसको ऐसे याद कर लो, अगर ये भी लिख के आ जाओगे इस तरह से तब भी चलेगा, एस ए नोड फाइबर, ए वी नोड फाइबर, कौन कहां से एक्ट कर रहा है, यहां से एस ए नोड फाइबर ने एक्ट किया, एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो आर्टेरियल कॉन्ट्रेक्शन आ गया, ठीक है ना, तो ये पूरा डिटेल चल रहा है, एस ए नोड फाइबर के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है यहां से, तो क्या हो गया, आर्टेरियल कॉन्ट्रेक्ट कर जाती है। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला पी क्यू सेगमेंट आइसो इलेक्ट्रिक एवी डिले, अब क्या है सिग्नल पहुंच रहा है, सिग्नल पहुंच रहा है किसके पास, वेंट्रिकल्स के पास, यहां पर एवी नोड फाइबर पहुंच गया सिग्नल, ठीक है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रेक्शन और सिस्टोल, यहां पर वेंट्रिकुलर ये आ जाता है और डीपोलराइज होकर जाती है, कॉन्ट्रेक्शन होगा और सिस्टोल हो जाएगा, यानी कि अगला जो यहां से लेकर यहां तक आ गया। अब यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो यहां पर क्या हो गया कि एस टी सेगमेंट आइसो इलेक्ट्रिक प्लेट टू ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल का एक प्लेट टू आ गया, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक वो प्लेट टू होता है ना, जैसे हम पठार बोलते हैं कि एक समान हो गया लगभग, क्या चीज नॉर्मल हो गई, एक तरह से हम कह रहे हैं एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, नॉर्मल हो गया वापस से, और फिर आ गया यहां पर हमारे पास टी वाला वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, और फिर यहां से आ गया वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और डायस्टोल अप टू द नेक्स्ट बीट। यानी कि यहां पर तुम्हें कार्डियक साइकिल को दिमाग में रखते हुए चीजों को समझना है तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। आर्टेरियल कॉन्ट्रेक्शन हुआ, ठीक है, इसको थोड़ी देर भूल जाओ, फिर कॉन्ट्रेक्शन हुआ वेंट्रिकल्स का, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होती हैं और ये डायस्टोल आ जाता है हमारे पास, एक तरह का जॉइंट डायस्टोल हो जाता है और फिर वापस से कहानी स्टार्ट होती है। बीच के वो टाइम है कि हमारे पास जो है सिग्नल पहुंच रहा है। ऐसे समझ में आया तो एक और मैंने बनाया है, ये देखो पी वेव का मतलब क्या है, पी वेव का मतलब ये कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। पी वेव का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया इन रिस्पॉन्स टू एस ए नोड ट्रिगरिंग, ठीक है, ये वोल्टेज और ये टाइम आगे बढ़ रहा है। P से लेके R, ठीक है, डिले ऑफ एवी नोड टू अलाउ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है ना, डिले ऑफ एवी नोड तक सिग्नल पहुंच रहा है और क्या है वेंट्रिकल्स फिल कर रही हैं। फिर Q R S,
डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ट्रिगर मेन पंपिंग कॉन्ट्रेक्शन। अब यहां पर क्या होगा, पंप करेगा ये, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा, ये एसटी के बीच में आ गया, एसटी बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन शुड बी फ्लैट। ये कैसा होता है, फ्लैट रहना चाहिए, यहां पर क्या है रिपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट में टी वेव है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, वेंट्रिकल्स क्या कर रही है, रिपोलराइज कर रही है, शुरुआत हो रही है, ये रिपोलराइज कर रही है। तो डीपोलराइज रिपोलराइज जो ऊपर की बातें जितनी अच्छे से क्लियर रहेंगी उतने अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे बहुत बार पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा, तो बेटा इसको बस इतना ये डायग्राम लिख के आ जाना, 2 से 3 नंबर कैसा भी क्वेश्चन होगा नंबर पूरे मिलेंगे। डायग्राम प्रॉपर बनाना अच्छा, जो बच्चे समझ ना पाए याद ना कर पाए उनके लिए बात बता रहा हूं, और इसको पूरा रट करके ये एज इट इज लिख करके आ जाना। बेसिक्स ऑफ ACG 3 नंबर का भी होगा तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है बातें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लगता है गला मेरा खराब होने वाला है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था और थोड़ा सा समझने वाला था। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले पढ़ाई कर रखी है उनको इजीली समझ में आ गया हो, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, तो 2-3 बार क्या करें इसको रिवाइज करें, ठीक है ना, और पढ़ते रहें, ठीक है ना। तो करना क्या है, रिवाइज करना है और पढ़ना है। ऑल द बेस्ट।